दोस्तों कैसे आप लोग। और आज हम दिल्ली में आए हुए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह। यहाँ पर मेरी छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड की शादी है और साथ में हमारे भाई जावेद भी आए हुए हैं। आए और यहाँ क्या क्या हुआ शादी में पूरा आपको एंजॉय करके दिखाएंगे। अभी हम निज़ामुद्दीन उतर चुके हैं और यहाँ से हमें 966 बस को बैठकर नागलोई जाना है। अब वो कहाँ है हमें पता नहीं है, एड्रेस हमको पता है। और इस टाइम हम बस से बैठ चुके हैं 966 और नागलोई के लिए। सारी बातें आपको बता दूँगी। आ गए हम, बाय बाय। तो जैसा कि हम नागलोई आ चुके हैं और अपनी सिस्टर की फ्रेंड के यहाँ भी पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम है भूतबारी कॉलोनी धन्नामती। लेकिन मज़ा नहीं कर रहा मैं, इस जगह का नाम वाकई बदल कर लिए। और अभी हमने नाश्ता करा है और हम टहलने जा रहे हैं, आगे की बात फिर आपको बताएंगे। और जिस घर में शादी है हम उस जगह पर आ चुके हैं और ये मकान 50 गज में है और 4 मंजिल का बना हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ऊपर डेकोरेट है इसके वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। और बहुत बेहतरीन स्वागत किया हमारा इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ के आके। हाय गाइस, कैसे हो। जैसा कि टाइम होने वाला है बारात का, 1 घंटे बाद बारात आ जाएगी और बारात यहीं पास ही आ रही है। तो और हम रेडी हो चुके हैं और इस टाइम हम निकलने वाले हैं होटल के लिए। आगे बात हम आपको बात बताएंगे। हाय गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और इस टाइम हम होटल जा रहे हैं। बारात आने में अभी 1 घंटा बाकी है। और ये हमारे साथ में जावेद भाई, कैसे लग रहे हो आपको? ठीक है, आगे की रास्ता आपको फिर बताते हैं। जैसा कि दोस्तों हम होटल में आ चुके हैं और बारात आने में अभी कुछ ही टाइम बाकी है और बहुत जल्द बारात भी आने वाली है। और हम यहाँ होटल में आनंद लेते हुए, यहाँ देख सकते हैं लोग आ चुके हैं और बच्चों का भी मिक्की माउस का प्रयोग किया गया है एंजॉय के लिए। और ये स्टेज सजाई गई है बेहतरीन तरीके से दूल्हे राजा के लिए। जैसा कि दोस्तों बारात आ चुकी है और ये स्टेज पर दूल्हे राजा बैठ चुके हैं। बहुत बेहतरीन इनकी ड्रेस लग रही है, जिस तरह से सलमान खान ने प्रेम रतन धनपायो में पहना था ठीक उसी प्रकार से ये भी पहन कर आए हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम अपने घर मथुरा जा रहे हैं और हम दिल्ली में यहाँ शादी में गए थे नागलोई, वहाँ हमने क्या क्या किया शादी में एंजॉय किया वो सारी बातें आपको बताई। और वहाँ से फिर हम दिल्ली से निज़ामुद्दीन दरगाह गए थे, वहाँ भी हमने अपने लिए दुआ मांगी और आप सभी के लिए दुआ मांगी और अपनी फैमिली के लिए दुआ मांगी। वहाँ से काफ़ी एंजॉय करने के बाद अब हम अपने घर मथुरा जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी वीडियो अच्छी हो या बुरी हो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं से हमको नवाजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो लेकर।